टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने आधिकारिक तौर पर भारत को अपने सैनिक हटाने के लिए 15 मार्च तक का समय दिया है। रविवार को मीडिया से बात करते हुए मालदीव के प्रेसिडेंट ऑफिस के प्रवक्ता अब्दुल्ला नजीम इब्राहिम से इसकी जानकारी मिली। उन्होंने कहा, भारतीय सैनिक मालदीव में नहीं रह सकते, राष्ट्रपति मोइज्जू और उनकी सरकार की यही नीति है। मालदीव के मीडिया ने वहां की सरकार के हवाले से बताया कि मालदीव में फिलहाल 88 भारतीय सैनिक मौजूद हैं। दोनों देशों के बीच सैनिकों को हटाए जाने से जुड़ी बातचीत के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी से रविवार को मालदीव के विदेश मंत्रालय के साथ पहली बैठक की। इस मीटिंग में भारत के हाई कमिश्नर मुन्नू महावर भी मौजूद थे। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।